कई लोग आप लोगों के पास आएंगे, सबकी बातें आवाम ने सुनना चाहिए, यही लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है। मगर साथ ही में जो पिछले 5 साल में यहाँ पे एमएलए रहा है, उसको एमएलए का जो काम है उसके ताल्लुक से पूछना चाहिए। मैंने अभी आप लोगों के हाथ में ये एक वचननामा दिया है, जाहिरनामा दिया है, मैनिफेस्टो दिया है। उसने भी पिछले इलेक्शन में जाहिरनामा वचननामा निकाला था, तो अगर आपके पास फिर से आते हैं या कोई लाता है तो ज़रूर पूछिए कि पिछले 5 साल का जो आपका वचननामा है, जाहिरनामा है, वो दिखाइए और उसके ऊपर हाथ रख के बताइए कि ये काम का क्या हुआ। दहसर टोलना का हट गया क्या? हट गया क्या? तो ये सवाल पूछेंगे नहीं पूछेंगे, क्योंकि पहला सवाल उसके पास वही था, दहसर टोलना का हम हटाएंगे। मीरा रोड से लोकल चालू हो गई क्या? कचरे का डबल टैक्स आप पे लग गया नहीं लग गया? पानी आपका बढ़ा क्या? पानी का टैक्स बढ़ा के नहीं बढ़ा? महानगर पालिका की बसेस जो हम लोगों ने चालू की थी, आज आपको कहीं रास्ते में दिखती है? बंद हो गई कि नहीं हो गई? हमने कोर्ट की बिल्डिंग 5 साल पहले बना करके रखी, उसका उद्घाटन तक आज तक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री शहर में 50 बार आए, उन्होंने हर बात का भाषण किया कि 24 घंटा पानी मिल रहा है क्या? अब फोटो और होर्डिंग लगती है, मुझे गर्व है कि, और उसमें खाली नल दिखाते हैं लेकिन नल से पानी नहीं टपक रहा है। प्लेग्राउंड दिखाते हैं शहर में बच्चों की तस्वीर के साथ कि मुझे गर्व है प्लेग्राउंड मिल गया। जाइए शांतिनगर शांति पार्क का पता कीजिए, सेक्टर 8 में 9 में 6 में 5 में शांति पार्क में जो प्लेग्राउंड था उसको खोद डाले। ये जो प्रमोद महाजन और बाला साहब ठाकरे उद्यान जो बना हुआ है ना, आज आपको बताता हूं, मेरे एमएलसी फंड से बनाया। मैं 9 साल विधान परिषद में था, असेंबली में था, 5 साल में, पहले ही 5 साल में राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला, मुझे अवार्ड मिला। मालूम है आप लोगों को? मालूम है नहीं मालूम है? और 5 साल में इसको क्या मिला? हाईकोर्ट बोलती है इस पर क्रिमिनल केस दाखिल करो। असेंबली में क्वेश्चन उठता है इसके ऊपर कि 14 केसेस है, 17 केसेस है, ये असेंबली में जवाब देता है कि मेरे पे एक भी केस नहीं है। अभी एफिडेविट फाइल किया है इलेक्शन कमीशन में, 22 क्रिमिनल केस है। 250% आमदनी, इनकम और प्रॉपर्टी बढ़ गई 5 साल में, और 10 साल पहले का एफिडेविट उठा करके देखेगा कितनी इनकम थी, अब 10 साल के अंदर और 5 साल के अंदर कितनी प्रॉपर्टी और पैसे आ गए। बढ़ना चाहिए, हर आदमी को अपना कारोबार में इनकम होना चाहिए, मगर लोगों के जेब पे डकैती करके नहीं। आपका जो हाउस टैक्स भर रहे हैं, डबल टैक्स आपके ऊपर लगा दिया है, हर आदमी के जेब में से हर साल का हर मकान मालिक के पास से 5 से 6 हजार रुपया ये कचरे के टैक्स में और भ्रष्टाचार में आपका जा रहा है। 2.5 लाख टैक्स पेयर इस शहर के अंदर रहते हैं, गिन लीजिए पैसा कितना हुआ। 25% लिया जाता है इस महापालिका के अंदर करप्शन में, ये मालूम है आप लोगों को कि कोई भी टेंडर देना हो तो 25% पहला देना पड़ता है, ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियल, कहां जाता है ये पैसा। और फिर आज अगर आपके पास आकर के बोलेंगे आपकी मैं गटर बना देता हूं, पाइपलाइन डाल देता हूं, तो आपके जेब से हजारों लाखों करोड़ रुपए शहर में से हफ्ते के माध्यम से और करप्शन के माध्यम से वसूल किया गया है, तो वो हराम का पैसा वो इसी तरह से बर्बाद करेगा चुनाव लड़ने के लिए, और फिर से आपका गला काटेगा, फिर से भ्रष्टाचार करेगा। मैं ये चुनाव काहे के लिए लड़ रहा हूं? 35 साल हमारे फैमिली को, मुझे मेरा पॉलिटिकल करियर 35 साल का हो गया, फैमिली का 60 साल हो गया है। इन 60 सालों में और 35 सालों में एक इल्जाम बताइए हमारे ऊपर, एक इल्जाम बताइए, और इनके ऊपर तो पब्लिक डोमेन में रिकॉर्ड है कि कितने गुनाह है, कितने क्रिमिनल केस है, कितना भ्रष्टाचार और क्या क्या चीज नहीं। मुसलमानों के बीच में आकर के, माइनॉरिटी के बीच में आकर के सबका साथ सबका विकास की बात होती है, क्या आप भूल जाते हो इस मुल्क में लिंचिंग किसका किया जा रहा है? क्या आप भूल जाते हो शरीयत के मामले में कौन इंटरफियर कर रहा है? भूल जाते हो क्या? कौन कर रहा है? जानते हो ना आप लोग इस बात को? तो ये असेंबली का चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव नहीं है। असेंबली के अंदर आपकी नुमाइंदगी के लिए आप आदमी को भेज रहे हो जो स्टेट का कायदा कानून बनाएगा, उसकी निगरानी करेगा, एग्जीक्यूट कराएगा,
वाटर गटर मीटर वाला चुनाव नहीं, आपकी मुश्किलें आपकी परेशानी अपनी जगह है, उसे हल करना हमारा फर्ज है, हमारे कॉर्पोरेटर का फर्ज है, हमारे लोगों का फर्ज है। हमारे बीच में से जो कॉर्पोरेटर आया था चुन करके किस लालच में चला गया उस तरफ, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि नहीं जानते हो, मगर उसके बावजूद तो मेरी वालदा है, जबरदस्ती हमने उनको 75 साल की उम्र में यहाँ पे कॉर्पोरेटर करके खड़ा किया। ये पिछले 5 साल में इस वार्ड के अंदर पता नहीं क्या नहुसियत है, पनौती है कि जो कॉर्पोरेटर बनता है वो काम ही नहीं करता, या तो भग जाता है या गड़बड़ करता है, इसलिए हमने हमारी वालदा को खड़ा किया। मगर उसके बाद फिर ये आदमी आया तो उसने बदमाशी करी। तो आपके यहाँ के जो भी मसले मसाइल है उसे हल करना हमारा फर्ज है, हम लोग करेंगे, करते आए हैं। तो उससे आप ये मत रहिए कि भाई अभी इलेक्शन आया, मुजफ्फर भाई आए, मम्मी जी आए, वायदा करके चले गए, नहीं होगा, काम करेंगे। अशरफ भाई बैठे हैं, अकरम भाई बैठे हैं, मम्मी बैठी है, सारा बैठी है, जुबेर भाई बैठे हैं, ये सारे हमारे जिम्मेदार लोग हैं, काम करेंगे। आप लोगों को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से टोल टैक्स हटाना है, ये मेरा एजेंडा है। मीरा रोड लोकल शुरू करनी है, भयंदर लोकल में वृद्धि करनी है, महिला स्पेशल ट्रेन बढ़ानी है, गार्बेज का टैक्स हटाना है, शहर में पानी लाना है, टैक्स कम करना है, कोर्ट यहाँ पे शुरू करना है, ऐसे तमाम काम जो पिछले 5 सालों से सिर्फ जगह पे रह गए हैं, सिर्फ बोर्ड लगता है। अब 20 माले की बिल्डिंग में कोई औरत रहती है, महिला रहती है, उसके घर में चूल्हा जलता है, क्या लकड़ी से जलेगा? उसकी तस्वीर लगा करके बोलते मुझे घर में मेरे घर में गैस आ गया। मेट्रो आ गई क्या आपके पास? 9 बार मुख्यमंत्री शहर में आए, उद्घाटन किए, नामकरण किए, कितने बार आ गई मेट्रो? 2017 में मुख्यमंत्री ने कहा था कि 2019 में मीरा भाईंदर में मेट्रो चालू हो जाएगी। कॉर्पोरेशन के चुनाव के वक्त मैंने कहा था कि अगर 2000 तक के मेट्रो शुरू हो जाएगी तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। तो आज मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेट्रो 2019 तक शुरू नहीं करी, इसके लिए मैं आज आपके सामने उम्मीदवार के रूप में हूं। कोई काम अलाउद्दीन के चिराग की तरह नहीं है कि आपने घस दिया और जीन आ गया और काम पूरा हो गया। हमको ये शहर बनाने को 30-35 साल लग गए। ये नितिन ठाकुर साहब बैठे हैं, हमारे साथ कॉर्पोरेटर रह चुके हैं नगर परिषद के अंदर, जब म्युनिसिपल काउंसिल थी तभी शहर का नक्शा उस वक्त बना है, 25 साल पहले, कि कहाँ रास्ता बनेगा, गटर बनेगी, हॉस्पिटल बनेगा, क्लब बनेगा, ब्लड बैंक बनेगी, लाइब्रेरी बनेगा, मॉर्ग रूम बनेगा, ये सारी चीज का नियोजन 1990 में किया गया है, तब जाके उसको एग्जीक्यूशन हुआ है। और आप लोग भी शहर में आकर के सिर्फ इसीलिए रहते हो, एक मकान सस्ता है और दूसरा यहाँ अमन और शांति है। चाहे 84 के दंगे हो के 91 के हो, आपके घर के सामने ही ट्रेन का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इसके सामने ही, बिल्कुल सही है ना। अडवाणी जी आए थे उसके बाद सभा लेने के लिए, आए थे कि नहीं आए थे, मालूम है कि नहीं आप लोग को? मगर उसके बावजूद ये शहर के अंदर अमन और शांति रही कि नहीं रही? स्मशान कब्रस्तान बरेल ग्राउंड हमने बनाया, मेरे जाती पैसे से बनाया हूं, पर्सनल 2000 के अंदर, ये नितिन ठाकुर साहब को पूछिए, पर्सनल 6 करोड़ रुपए लगाया हूं 2000 में। अगर वो 6 करोड़ रुपए में टीडीआर और एफएसआई खरीदा होता तो मेरे पास भी 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होती। मगर हमने कौम के लिए किया, लोगों के लिए किया, आवाम के लिए किया, सभी कम्युनिटी के लिए किया। आज उस कब्रस्तान को लेकर सियासत कर रहे हैं लोग कि छपरा चाहिए, क्यों नहीं बनाया छपरा बताइए? जो आदमी 6 करोड़ रुपया खर्चा कर सकता है 2 लाख रुपए का छपरा नहीं बना सकता है, क्यों नहीं बनाया? आखिरत की नमाज होती है, जनाजे की नमाज होती है 99.9% मस्जिदों में होती है। बेवारस लाश कोई आती है, बॉडी आती है, आज तक 20 साल में 8 बार खाली वहां जनाजे की नमाज हुई। उसके अलावा बाजू में हिंदू स्मशान है, मुस्लिम कब्रस्तान है, बरियल ग्राउंड है, सामने जॉगर्स पार्क है। क्या होगा, बड़ी रातों में नौजवान हमारे सब वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, कब्रस्तान में लोग जाते हैं, बाहर चिकन मटन की दुकान और हाथगाड़ियाँ लगेगी क्या? नहीं लगेगी? आप में हमारे में किसी में ताकत है उसको रोक देने की? उसके बाद क्या होगा कि बरेलवी का मौलाना चाहिए कि देवबंदी का चाहिए, हरी पगड़ी चाहिए कि पीली पगड़ी चाहिए, शाफी चाहिए कि हनफी चाहिए? ये तमाशा शुरू होगा नहीं होगा? वहां मस्जिद बनाने की बात चालू हो जाएगी, वहां 5 टाइम की नमाज की बात चालू हो जाएगी, वहां माइक लग के अजान की बात चालू हो जाएगी, बाजू में हिंदू स्मशान रहेगा, हिंदू की वहां से बॉडी आएगी जाएगी, आप जुमे की नमाज शुरू कर दोगे, रास्ता बंद करोगे, ये शहर के अंदर अमन और शांति रहेगी कि खत्म हो जाएगी? रहेगी कि खत्म हो जाएगी?
तो जो आदमी 6 करोड़ रुपया लगा के 20 साल तक के हर महीने 5 लाख रुपया खर्चा करके उस चीज को मेहनत करके बचा सकता था, बना सकता था, मेंटेन कर सकता था, वो 2 लाख रुपए नहीं खर्चा कर सकता है। मगर उसके पीछे की वजह ये है। और दोजक की आग कैसी है, किसी ने देखा है? देखा है किसी ने? तो 1.5 मिनट 1 मिनट जमीन पर पैर रख के उस आग को नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो आपके हमारे अमाल, तो हम दुआ करते हैं कि सब लोग जन्नत नसीब हो, मगर किसके अमाल और कौन कहां जाएगा किसको पता है? और फिर जनाजे को उठा करके दफन करने जाओगे तो क्या छपरे को साथ में ले जाओगे? बताइए मुझे आप। मगर उस बात को लेकर के तमाशा बनाया जा रहा है। उस बात को बनाया जा रहा है कि नहीं, कि नहीं बनाया जा रहा है? आज तक मैंने कभी नहीं बोला कि मैंने इतने करोड़ों रुपए अपने खर्च किए, मैंने अपना बंगला नहीं महल बनाया, लेकिन किधर? उसके घर में। हमने आखिरत के लिए काम किया है, दिखावे के लिए नहीं किया है, और सभी कौमों के लिए किया है, और इसी वजह से हमने वो नहीं किया। मगर आज लोग तमाशा बना रहे हैं, लोग बहकावे में आ रहे हैं, लोग व्हाट्सएप घुमाते हैं कि देखो बीजेपी के आमदार ने ये बना दिया, वो बना दिया। अरे जो डकैती, जो रात में डकैत कर रहा है और दिन में बांट रहा है, पूरे शहर को लूट रहा है, आप जाइए भयंदर वेस्ट में, कोई मारवाड़ी गुजराती चैन इसको वोट देने को तैयार नहीं है। जाइए आप पता कीजिए, वो चुनाव लड़ रहा है अपनी धन संपत्ति संभालने के लिए। बीजेपी के अंदर से जो इंडिपेंडेंट लड़ रही है वो अपनी इज्जत के लिए, कि मुझे इसको हराना है। और मुजफ्फर हुसैन चुनाव लड़ रहा है अवाम के लिए। पिछले 10-15 सालों से मेरा कोई प्लॉट नहीं, 1 इंच जमीन इस शहर में मेरे पास नहीं है, ना कंस्ट्रक्शन का काम है, लोगों की मदद और खिदमत के अलावा दूसरा कोई काम मेरे पास नहीं है। मुझे पता नहीं आप लोग कितने लोग जानते हैं, हजारों बच्चों की स्कूलों की फी मैं भरता हूं, बंद मुट्ठी करता हूं, क्योंकि वो मेरा आखिरत का काम है। हजारों लोगों की मदद मैं दवा और उसके इलाज के लिए करता हूं, बंद मुट्ठी की करता हूं, गरीबों की, बेवाओं की, अनाज से लेके शादी ब्याह के लिए, हर चीज के लिए। वो अल्लाह ताला ने हमको जो जो कुछ भी ताकत दी है, जो कुछ भी हमारे हाथ में लिख करके भेज दिया, वो हम करते हैं। उसका दिखावा हम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। दिखावा वो करता है जिसको उसके ऊपर अपना कुछ मकसद साधना। हमारा कोई मकसद नहीं है, ना हमारे वालिद साहब का है, ना वालदा का है, ना हमारा है। हमारे वालिद साहब को आप लोगों ने देखा है, देखा है ना, दरवाजे पे बैठते, कैसे बैठते, बनियान बैठ के, पैजामा पहन करके वहां बैठे रहते, बैठे रहते कि नहीं? जब मर्सिडीज गाड़ी रहती है और 365 सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, हमारी वालदा 10 गाड़ियां है घर में, रिक्शा पकड़ करके घूमते रहती है सब जगह। डेप्यूटी मेयर थी तब भी रिक्शा पड़ करके घूमती थी, कोई कमी है? मगर शान और शौकत के लाचार नहीं है। कौम की खिदमत करना है वो करते आए। ये शहर को हमने हमारा घर परिवार समझा है, आपको हम अपने खानदान का हिस्सा समझते हैं, वोटर नहीं समझते। आप हमारे खानदान के हिस्सा हो, वोटर नहीं हो, तो इसके लिए दिखावा नहीं करते। ये हमारे दोस्त लोग बैठे हैं, ये अशरफ भाई, ये जुबेर भाई, मुजफ्फर भाई, यार तुम रात को बैठा करो चौपाल में, बैठ के चाय पिया करो, ये किया करो, कौन को अच्छा लगता है वैसा अच्छा लगता। बोला वो काम मैंने तुम्हारे नाम लिख दिया है, ये आप लोग किया करो, कि वो मुझे ये नहीं लगता है कि कौम को इस चीज की जरूरत है। कौम को रास्ता दिखाने की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, तालीम की जरूरत है, दीनी और दुनियावी तालीम की जरूरत है, और उस मयार में हम काम करते हैं और बंद मुट्ठी करते हैं। और मुझे खुशी है, आज भी हमारी स्कूल की फीस कितनी है आप लोग जानते हो? कई बच्चे पढ़ते हैं, 700-800 हजार रुपए फीस है। और जो हजरत आपके पास आके गए उसकी स्कूल की फीस कितनी है? कितनी फीस है? 5,500 महीना, महीना। हमारी उर्दू स्कूल आपके सामने चलती है, कितनी फीस है? 50 रुपए। और गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं, ना इमारत के लिए, ना जमीन के लिए, किसके लिए? कौम के लिए। जब मैं पूरे शहर में घूमता हूं, पूरे मुंबई में घूमता हूं, तो बच्चे आते हैं सामने से, सलाम करते हैं, मैं तुरंत समझ जाता हूं, पूछता हूं कहां रहते? बोले मीरा रोड रहते हैं। सर आपकी स्कूल से पढ़े हैं, आपने मेरी स्कूल की फीस भरी, हम मीरा भयंदर रहते हैं, मैं 75 स्कूलों में बच्चों की फीस भरता हूं, सिर्फ अपनी अकेले की नहीं,
मुझे बताने के लिए कोई शौक नहीं है, मगर लोगों को भी पता चलना चाहिए ऐसा मुझे लगने लगा है कि हमने क्या किया और क्या बंद मुट्ठी आज भी करते हैं। 75 स्कूल मीरा भाईंदर में, स्कूलों के बच्चों की फीस मैं भरता हूं, हमारे स्कूल में तो हजारों बच्चों को हम क्या इस तरह से मदद करते हैं वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। हजारों लोगों को बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में हम लोगों ने, जो वहां के परेशान हाल में आए थे लोग, मदद की, तालीम के लिए मदद की, क्योंकि मुझे लगता है कि तालीम जरूरी है। अशरफुल उलमा इंस्टीट्यूट मदरसा चलता है, औरतों की दीनियात की वहां पे क्लासेस चलती है, पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा। यहां से कोई मोहतरम कोई औरतें शायद जाती नहीं होगी। इस तरह से बंद मुट्ठी काम करते हैं। पूरे महाराष्ट्र के 35 मस्जिद मदरसों के ट्रस्टी हूं मैं, 9 साल एमएलसी रहा, पूरे महाराष्ट्र में 500 जगह कब्रस्तान और स्मशानों का काम मैंने किया। चले जाइए किसी जिले में महाराष्ट्र से, कौन कौन है हाथ उठाइए जो महाराष्ट्र से आप लोग ताल्लुक रखते हैं, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, जालना, आप जब यूपी और राजस्थान से हैं, आप लोग यूपी जाके पूछिएगा, सिद्धार्थनगर हो, फैजाबाद हो, बहराइच हो, बलरामपुर हो, बस्ती हो, गोंडा हो, तेवरिया हो, अलाहाबाद हो, बनारस हो, वहां जाके पूछिएगा कि मुजफ्फर भाई ने आके वहां पे कौन से मदरसों में क्या काम किया है। तो जो काम हमने, अल्लाह ताला ने हमारे मुकद्दर में लिख के भेजा, वो हम करते हैं। और ये चुनाव मैं इसीलिए लड़ रहा हूं के जो काम बचे हुए हैं उसे पूरा किया जाए, और इस शहर के अंदर एक भ्रष्टाचार और अन्याय, अत्याचार जो आदमी एक शख्स कर रहा है, उसकी पार्टी कर रही है, उसके खिलाफ मैं ये लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हूं। 3 साल मैं हॉस्पिटलाइज रहा, 3 सर्जरी मेरी स्पाइन की हुई है। ये मेरी वालदा वाले, मेरी बीवी, बच्चे, कोई मेरे हक में नहीं है कि मैं चुनाव लड़ू, मगर 3 साल तक लोग मेरे पास शहर में आते रहे, मुझसे कहे कि साहब आपको लड़ना पड़ेगा, आपने छोड़ दिया तो ऐसा शैतान पैदा हुआ है, आप ही को इसको खत्म करना पड़ेगा। तब जाके मैंने फैसला किया कि मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा और ये शहर के हक में लड़ूंगा। बहुत लोग आएंगे आपके पास, गार्डन बना देते, नल लगा देते, पानी लगा देते, मगर उससे ज्यादा जरूरी आपके जान, माल और इज्जत की बात है। जो लोग आपकी लिंचिंग कर रहे हैं, आपकी शरीयत पे हाथ लगा रहे हैं, वो माफी के हकदार नहीं है, उसे अपनी जगह दिखाने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि आप लोग मेरा साथ इसमें दोगे इंशाअल्लाह ताला, 21 तारीख को आप सब लोग उतर करके जो है वोट करोगे और मुझे बहुमतों से चुन करके भेजोगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।